हमारे समाज में काबिलियत की कमी नहीं है ना, आंख बंद करके भी तीर चलाते तो वही लगता, शिकार पे ही लगता, ये इतिहास रहा है। इसलिए जानबूझ के जो है ना, बहुत सारे बहुसंख्यक लोगों को जानबूझ के ये शिक्षा के अधिकार से हजारों साल वंचित रखा गया है जानबूझकर। अभी देखिए, जाकर देखिए गांव में ढेला से चिड़िया मार देता है सब, और आपको पिस्टल लेके स्टेडियम में करोड़ रुपया खर्चा करके निशानेबाजी सिखाया जाता है। चलिए हमारे गांव में गुलेल से मार देगा। तो ये जो लिखा हुआ है ना, बहुसंख्यक कॉन्ट्रैक्टर्स, जैसे ही बहुसंख्यक लिखे कि एंटीना से पता कर लेता है कि एससी एसटी ओबीसी होगा। एक बहुत बड़ा एंटीना है, उसको हम जनऊ लीला बोलते हैं। कोई बेटा को फाइनेंशियल एडवाइजर बनाना ही नहीं चाहता है। आईएएस का बेटा आईएएस बन रहा है, आईपीएस का बेटा बोला पावर देखता है ना, सेमी फ्यूडल के एकदम पावर, पिस्टल का पावर देखता है कि एकदम। देखिए पिताजी डीएम बने थे तो कितना नौकर चाकर, 3 बीघा कोठी मिला था, रोज सुबह शाम सलाम करता है, गाड़ी में घुमा रहा है। दिस इज अ सेमी फ्यूडल स्ट्रक्चर। जैसे जैसे कैपिटलिज्म का डेवलपमेंट होगा, ब्यूरोक्रेसी का रोल मिनिमाइज होगा। पहले एक थाना जितना होता था एसएचओ के अंडर में, उतना आज एक एसपी होता है एरिया। और 200 करोड़ के लिए 65 दलित बिजनेसमैन सबको फंसा के रखे, और नोटिस पे नोटिस जा रहा है कि पैसा वापस करो, पैसा वापस करो। ये है लीला। मैं बड़े बड़े इतिहासकारों से पढ़ा हूं, तो ट्रेनिंग कुछ उस तरह से है। फिलहाल जिस समाज में रहते हैं उसकी बारीकियों को समझते हुए उसमें से रास्ता भी निकालना पड़ता है। तो कुछ बातें मैं मतलब जो आपका विषय है उस पर बोलूंगा, लेकिन ये पूरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट आइसोलेशन में नहीं होता है। अभी साहब बिट्टू टिक्की वाले थे, हैं कि चले गए? जय जय। तो आपके यहाँ आपका खाया है मैंने, तो अब की बार आऊँगा तो स्पेशल कुछ खिलाइएगा, पैसे नहीं दूंगा। और बहुत शानदार आपका भाषण था, और मेरा एक यूट्यूब चैनल है, उसका नाम है अम्बेडकर नामा, एकेडमिक सेमी एकेडमिक चैनल कह सकते हैं। उसमें स्ट्रगल की स्टोरीज भी हम बनाते हैं, तो सक्सेस की स्टोरीज भी बनाते हैं। कभी टाइम दीजिए तो आपका लंबा इंटरव्यू करूंगा, जिससे कि हमारे आने वाले जनरेशन, हमारे बच्चे जो यंगस्टर्स हैं, वो इंस्पिरेशन ले सकें। तो टाइम दीजिएगा, तो मेरा नंबर प्रदीप जी तमाम साथी के पास है, हम लोग बातचीत कर लेंगे। अच्छा यादव साहब बैठे हुए हैं, तो बात कर लेंगे, और वो जाना चाहिए, मैसेज जाना चाहिए। चलिए कुछ काम की बात और कर लेता हूं कि सबसे जरूरी जो सवाल है वो माइंडसेट का सवाल है। इरफान हबीब साहब एक हिस्टोरियन, बड़े हिस्टोरियन है, भी हैं, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था पोटेंशियलिटीज ऑफ कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट इन इंडिया। तो देख के तो लग रहा है, टाइटल देख के, कि इसमें क्या क्या पोटेंशियल है भारत में कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट के, उस पर आर्गुमेंट होगा। लेकिन उसका कंक्लूजन उल्टा था कि कैपिटलिज्म यूरोप में आया और भारत में क्यों नहीं आया। एक जमाने में इंडिया ट्रेड करता था यूरोप को पूरा, और सोने की चिड़िया ऐसे हवा में नहीं कहते थे, कोई रामायण महाभारत की वजह से सोने की चिड़िया नहीं थी। यहाँ के व्यवसायी लोग एक्सपोर्ट करते थे रोमन अम्पायर को, यूरोप को, तो वहां से गोल्ड क्वाइंस आते थे, बुलियंस आते थे, उसकी वजह से भारत सोने की चिड़िया कही। तो उन्होंने आर्गुमेंट दिया कि भारत में कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट के पोटेंशियल थे ही नहीं, और उसको बहुत सारे रीजन से कारण है, आज हिस्ट्री वाले पोर्शन में नहीं जाऊंगा। तो सबसे जरूरी है कि कैपिटलिज्म के डेवलपमेंट के लिए जो इंटरप्रेन्योरशिप, कि आप में वो ताकत है कि नहीं, जैसे अभी यादव साहब पूरी अपनी सक्सेस स्टोरी सुना रहे थे, और मैं भी बिहार से जब आया था तो ऐसी जैसे तैसे कहीं कहीं सोता था, और कोई जान मतलब गांव के कुछ हमारे काम करने वाले, कसीदा फैक्ट्री में काम करने वाले लोग थे, उन्होंने 1 महीना खाना खिलाया था, अंग्रेजी नहीं जानता था, और उसी गढ़ी गाँव है, जाके देख लीजिएगा, वहीं पर मैं 1 महीना रहा था, और कैसे कैसे करके एडमिशन लिया था। आज हिंदू कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, 25 साल से पढ़ा रहा हूँ, और कुछ साथी जानते भी हैं। तो सबसे पहले जरूरी बात है कि आपके अंदर कैपिटलिस्ट बनने का पोटेंशियल है कि नहीं, अगर है तभी होगा।
दूसरी बात है कि यहाँ कितने साथी हैं BTW को छोड़कर जो व्यवसाय करते हैं? Few hands. 50 करोड़ टर्नओवर? कितने लोग हैं जो अपने बेटा को बिजनेसमैन बनाना चाहते हैं? और कितने छात्र हैं जो बिजनेसमैन बनना चाहते हैं? तो जब हम अपने, मैं उस दिन भी मीटिंग में मैंने कहा था बात कि MP साहब अपने बेटा के MLA के टिकट के चक्कर में परेशान रहते हैं। अब बिजनेसमैन से भी पूछिए भारत में, तो बिजनेसमैन भी बोलेगा कि क्या बनाऊंगा बेटा को, तो बोलेगा मैं अपने बेटा को SHO बनाऊंगा। Why? Because of feudal, semi-feudal mindset. Because SHO जाकर रोज उसके बाप को तंग करता है, तो ऐसा समझता है बिजनेसमैन कि बेटा भी मेरा SHO हो जाएगा ना, तो ये तंग नहीं करेगा मुझे। समझ रहे बा? आप पूछिए किसी बिजनेसमैन, बोलेगा कि बेटा को AC भी बनाऊंगा, SHO बनाऊंगा। तो प्रॉब्लम लाइज हेयर कि सब लोग ब्यूरोक्रेट ही बनाना चाहते हैं, और मैं चाहता हूं कि हमारा, देखिए कितना भी कुछ छुपा लीजिए, सचान साहब बड़े पोजीशन पर रहे हैं और जाहिर है कि हमारे समाज में काबिलियत की कमी नहीं है, है ना। आंख बंद करके भी तीर चलाते तो वही लगता, शिकार पे ही लगता, ये इतिहास रहा है। इसलिए जानबूझ के जो है ना, बहुत सारे बहुसंख्यक लोगों को जानबूझ के ये शिक्षा के अधिकार से हजारों साल वंचित रखा गया, जानबूझकर। अभी देखिए, जाकर देखिए गांव में ढेला से चिड़िया मार देता है सब, और आपको पिस्टल लेके स्टेडियम में करोड़ रुपया खर्चा करके निशानेबाजी सिखाया जाता है। चलिए हमारे गांव में गुलेल से मार देगा, है ना, है कि नहीं? तो ये जो लिखा हुआ है ना, बहुसंख्यक कॉन्ट्रैक्टर्स, जैसे ही बहुसंख्यक लिखे कि एंटीना से पता कर लेता है कि SC ST OBC होगा, एक बहुत बड़ा एंटीना है, उसको हम जनेऊ लीला बोलते हैं, उसी से पता ऐसे लगा लेता है कौन होगा। तो ये सिस्टम आपको अलाउ करता है 10 करोड़ 20 करोड़ 100 करोड़ 200 करोड़ आप कमा लो, ठीक है, मिला जुला के रहो, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप 50,000 करोड़ के लीग में जाए, और उसके लिए सिस्टम आपको अलाउ नहीं करेगा। क्योंकि सचान साहब अभी कह रहे थे कि बहुत फेयर और तमाम, जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के जज ही फेयर नहीं होते हैं कई बार तो, और वहां भी बैठा हुआ आपके डिपार्टमेंट में भी तो वो सब लीलाधारी लोग ही। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, मेरी 10 किताबें पब्लिश हैं, 3 ऑथर्ड, 6 एडिटेड, और मैंने एक बैकवर्ड इंटेलेक्चुअल, इंटरनेशनल लेवल के इंटेलेक्चुअल, PhD की है, काशी प्रसाद जसवाल, गूगल करके देख लीजिए, मेरी किताबें खटाखट आएंगी, उनमें 6 किताबें पब्लिश की, 10 किताबें पब्लिश हैं, अगर खत्म होगा तो बोल दीजिएगा, ठीक है, हाँ बस खत्म ही कर रहा हूँ, 3 ऑथर्ड 6 एडिटेड 1 ट्रांसलेटेड, अरुंधति रॉय किताब द डॉक्टर एंड द सेंट, अनिल जैन यादव साहब और मैंने ट्रांसलेट किया, 13 रिसर्च पेपर है, YouTube चैनल लॉकडाउन में खोला था, 1,35,000 सब्सक्रिप्शन है, करोड़ से ज़्यादा व्यूज है, 1.2 मिलियन आवर्स लोगों ने देखा है, 6 महीने के अंदर 1 बैकवर्ड और 1 दलित, 2 बच्चा को विदेश भेज चुका हूँ उसी YouTube चैनल से, 1 को 24 लाख फंड किया और 1 को 10 लाख फंड किया, 1 अक्टूबर में गया, अभी एक जा रहा है, 1 इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ने जा रहा है, 1 LLM पढ़ रहा है लंदन यूनिवर्सिटी में, आप देख सकते हैं मेरे YouTube पे। इस मोबाइल, मेरे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं, आदमी नहीं, इस मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए मैंने 6 महीने में 2 स्कॉलर्स क्रिएट किए। मैं चाहता हूँ कि सब मिलिए, और हम CA ढूंढते हैं तो सिर्फ प्रदीप जी नजर आते हैं, बाकी हमारे बहुजन कोई बेटा को CA बनाना ही नहीं चाहता है, कोई बेटा को फाइनेंशियल एडवाइजर बनाना ही नहीं चाहता है, IAS का बेटा IAS बन रहा है, IPS का बेटा बोला, पावर देखता है ना, सेमी फ्यूडल की एकदम पावर, पिस्टल का पावर देखता है कि एकदम, देखिए पिताजी DM बने थे तो कितना नौकर चाकर, 3 बीघा कोठी मिला था, रोज सुबह शाम सलाम करता है, गाड़ी में घुमा रहा है, दिस इज सेमी फ्यूडल स्ट्रक्चर,
जैसे जैसे कैपिटलिज्म का डेवलपमेंट होगा, ब्यूरोक्रेसी का रोल मिनिमाइज होगा। पहले एक थाना जितना होता था SHO के अंडर में, उतना आज एक SP होता है एरिया। मिला जुला के कहने का मतलब ये है, क्योंकि रिदम गड़बड़ हो जाता है ना, मैं सूत्र थोड़ा दे रहा हूँ। बाकी सब सुना बहुत अच्छा था, बहुत मेरा ज्ञान वर्धन हुआ, 5.5 घंटा बैठा रहा यहाँ पे मैं, और बहुत टेक्निकल बातें मुझे सीखने को मिला। लेकिन ये सब प्रोसेस है। मैं ये कह रहा था जो बीच में डिस्टर्ब हो गया, कि आज मेरे उम्र का दिल्ली विश्वविद्यालय में जितने टीचर्स हैं, मैं बहुत सारे 20 मुकदमे भी लड़ा हुआ हूँ, एक्टिविस्ट हूँ, तो उसका कॉस्ट मुझे चुकाना पड़ता है। वो जनऊ लीला के जाल में फंसाने की कोशिश करता है लेकिन फंसता नहीं, मैं काट देता हूँ, कुतर देता हूँ। मेरे एज ग्रुप का प्रोफेसर जितने टीचर हैं, अगर मेरे बराबर किसी का राइटिंग्स, सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन, मूवमेंट, क्रिएटिविटी हो बराबर सब में, तो आप लेकर आइए, मैं आज नौकरी रिजाइन कर दूंगा, पब्लिक में घोषणा कर रहा हूं। लेकिन क्या मुझे प्रोफेसर बनाएगा, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनाएगा, बोलिए? मेरे कॉलेज में 4 साल से मेरा प्रोफेसरशिप ड्यू है, 1 दिसंबर 2018 से है, आज तक मेरा फाइल प्रोसेस नहीं हुआ। ये मैं इसलिए समझा रहा हूं कि जब आगे पता है मुझे खतरा है, तो उसमें जाके गड्ढा में गिर के बहादुर नहीं बनो, बहादुरी नहीं होता है, बेवकूफी होता है। तो क्या क्या समस्याएं होंगी कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट में, बहुसंख्यक कॉन्ट्रैक्टर्स की, उसकी मैं बात कर रहा हूं। देर आर नंबर ऑफ प्रॉब्लम, हर जगह आपको ऑब्स्टेकल क्रिएट किया जाएगा। अब ठेका कैसे मिलता है, मैं CM हूं, मुझे 1000 करोड़ का ठेका निकालना है, ऐसा उसमें लगाऊंगा मैं आइडिया टर्म्स एंड कंडीशन कि मुझे पता है कि किस कंपनी को जाना है। ये सब लीलाएं होती, अंदर की लीलाएं होती। कोई गोवा का गलत स्पेलिंग बोल के भी फर्स्ट डिवीजन हो जाता है, इंटरव्यू पास कर जाता है, और आपका बच्चा चेकोस्लोवाकिया का भी सही स्पेलिंग बोल के फेल हो जाता है। ये लीला नहीं समझ में आ रहा है। इसलिए मेरी गुजारिश है इस मंच से कि हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क चाहिए, हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क चाहिए। और सब लोग, उस दिन भी मैंने कहा था, पता नहीं आप लोग उस दिन थे कि नहीं, वहां जब आप तो थे ही चौहान साहब, अभी थे, हमने जीवन में एक प्रण लिया है कि 15 साल अभी नौकरी है, कम से कम 20-30 बच्चा को ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज पढ़ा ही दूंगा इसी मोबाइल फोन से। आपके घर में इकोनॉमिस्ट नहीं हो सकते हैं, अमर्त्य सेन नहीं हो सकते हैं, बाबा साहब से बड़ा कोई इकोनॉमिस्ट हुआ है? अमर्त्य सेन भी बोले कि मेरे फादर इकोनॉमिक्स में मेरे फादर हैं। तो बाबा साहब को इस समाज वो सम्मान नहीं दिया, तो हम आप तो अभी कहां से पढ़ने देगा, ये समझ लीजिए। कहने का मतलब है, सब ठानिए, यहां पे 500 करोड़ तक जाने देगा, लेकिन जैसे ही 50,000 करोड़ के लीग में जाएंगे ना, तो इस पूरा नेटवर्क है, देश की इकोनॉमी किसी के हाथ के हवाले कर दी गई है, ऑलरेडी एजेंडा सेट किया जा चुका है, नाम लेने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं, पॉलिटिकल भाषण नहीं दूंगा, वो सेट किया जा चुका है इकोनॉमिक एजेंडा। मैं इसलिए, कल मेरे पास आए थे कुछ दलित एंटरप्रेन्योर्स, और ये जानना आपको बहुत जरूरी है, ये कह के मैं खत्म कर रहा हूं, और उनका मैं इंटरव्यू लिया हूं, कल परसों में चढ़ाऊंगा, डिक्की से जुड़े हुए लोग हैं, और माउस ट्रैप समझते हैं ना, माउस ट्रैप, रोटी टांग दिया, टपका लिया है। अभी बात चल रही थी 4% का जो SC ST का रिजर्व होता है, वो बेसिकली माउस ट्रैप। कैसे? मोंटेक सिंह अहलूवालिया जब कांग्रेस सरकार थी, आपको याद होगा कि डिक्की की मीटिंग हुई थी, और उसमें यह हुआ था कि दलित एंटरप्रेन्योर्स को जो है ना डेवलप करने, बढ़ाने के लिए सरकार कुछ सहायता करे, जैसे उनसे सामान खरीदे, उनको सब्सिडी दे, उनको पैसा दे, उनको लोन दे। 1000 करोड़ रुपए की, इंटरव्यू में का नाम मैं कल चढ़ाऊंगा, आप लोग देख लीजिएगा, 1000 करोड़ रुपए की हुई कि 1000 करोड़ रुपया दीजिए इन लोगों को बढ़ाने के लिए। मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने 200 करोड़ रुपया एक्सपेरिमेंट के लिए दिया। 3 बिजनेसमैन कल मेरे, 5 लोग आए थे मेरे घर पे कि आप इस मुद्दा को उठाइए। 200 करोड़ सिर्फ, वो मूंगफली भी नहीं है, वो राई के बराबर है।
सब लोगों ने उसमें करीब 65 लोगों ने लोन लिया 200 करोड़ में, कोई 4 करोड़, कोई 5 करोड़, कोई 3 करोड़। सब लिस्ट आ गया कि दलित सब कौन कौन बिजनेसमैन है, कौन 50 करोड़ में, कौन 100 करोड़ में है, लिस्ट आ गया सबका। और ये सरकार बदल गई, अब 200 करोड़, अभी मेरे पास चिट्ठी व्हाट्सएप में दिखाऊंगा, 6 लाख करोड़ जो यहां के सवर्ण जन उधारी इंडस्ट्रियल बिजनेसमैन है उनको राइट ऑफ वेव ऑफ को हो गया है 6 लाख करोड़। और 200 करोड़ के लिए 65 दलित बिजनेसमैन सबको फंसा के रखे, और नोटिस पे नोटिस जा रहा है कि पैसा वापस करो, पैसा वापस करो। ये है लीला। मैं तो जी समझ गए बात, ये मेन बात ये कहने जा रहा था। 200 करोड़ माफ नहीं कर सकती है, सामाजिक न्याय का ढिंडोरा पीट रही है। 6 लाख करोड़ जो है माफ हो गया, पढ़ा है कहीं मैंने, शायद फाइनेंस के एक्सपर्ट लोग बताएंगे। और कितना हजार करोड़ लेके गुजराती सब भाग गया विदेश, बैंक के सेक्टर के जो लोगों को बताएंगे कैसे एक ही कागज पर 4 बैंक से लोन लिया जाता है, डिफॉल्टर करके घपला करके भाग जाता है। ये उनके लिए है, इसलिए हमारे बच्चे, मेरी नजर आने वाली पीढ़ी पर है। हमें जो करना था आधा उम्र, आधा से ज्यादा पार कर गया, 50 का हो गया, 20 साल 25 साल और हमारी उम्र भावी पीढ़ी पे है कि तुम हार्वर्ड से जाके बिजनेस, पहले इंटरनेशनल बिजनेस करो, 50,000 करोड़ का एम्पायर विदेश में खड़ा करो, उसके बाद भारत सरकार से बात करो आंख से आंख मिला के, तब जो है कैपिटलिज्म का ग्रोथ होगा। शुक्रिया, थैंक यू।